सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल। एंड लास्ट वीडियो में मैं कहा था यहाँ से शुरू करूँगा शिमला का वीडियो, तो यहाँ से अभी हम लोग शिमला में जाएंगे, होटल ढूंढेंगे, उसके बाद चेक इन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो ये वाला वीडियो ओनली शिमला का होने वाला है। बहुत लेट हो गया दोस्तों, ऑलरेडी 8 बजने वाला है, यहाँ से शिमला जाने में 11 बज जाएगा। उसके बाद कब रेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टली रोस्ट में मुलाकात होगा, तो चलिए मिलते हैं। तो ये वाला वीडियो सिर्फ चंडीगढ़ का जो आउटर पार्ट पे हम लोग लास्ट वीडियो में थे धावा में, वहाँ से शिमला तक का होने वाला है। छोटा वीडियो होने वाला है मगर बहुत बेहतरीन वीडियो होगा। तो अभी जा रहे हैं टूअर्स शिमला। होटल नहीं मिला है, रात में नींद नहीं हुआ है, पहले होटल ढूंढने के एक अच्छा वाला, मतलब व्यू अच्छा होना चाहिए वहाँ से, फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद शिमला का लोकल कुछ प्लेसेस घूमेंगे। सो मिलते हैं आगे रोड पे। मैं आज से 3 से 4 साल पहले शिमला आया था, शिमला मनाली सब घूम के गया। आप देख सकते हो ये वाला घाट सेक्शन है, बहुत बेहतरीन ब्यूटीफुल एक जगह, बहुत ब्यूटीफुल। मैं गाड़ी में गया था और सोच रहा था कि कब मैं खुद का बाइक से जा पाऊंगा। यहाँ से शिमला का डिस्टेंस है 91 किलोमीटर, 3 घंटे में पहुंचेंगे। यहाँ पे एक तो ट्रक पूरा पलट गया है और मेरा सामने हार्ले का कोई एक टॉप एंड मॉडल है, कौन सा मुझे पता नहीं, बहुत मस्त लग रहा है बाइक, पूरा चकाचक। इज मोर 69 किलोमीटर बट दिस रोड्स आर सो क्रेजी मैन। सुबह सुबह हिमाचल का पहाड़ देख के ना, मतलब इतना दिल खुश हो गया, मतलब जितना थकान था लखनऊ से चंडीगढ़ का, नींद नहीं हुआ था, ठीक ठाक से खाना पीना भी नहीं हुआ था, मगर सारा का सारा थकान दूर हो गया। का ये जो ग्रीन कलर है ना, ये ग्रीन कलर को देखिए, ओह हिल्स आर कॉलिंग। मगर बहुत लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत, और यहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, उसका साइन बोर्ड भी दिया हुआ है। इस जगह का ड्रोन शॉट आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। बहुत मेहनत लगता है, बहुत दिक्कत से ये वाला ड्रोन शॉट किया है। आई होप कि जो व्यू मैं लिया हूँ अच्छा ही लगा है आपको। यहाँ से है और 52 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा 51 मिनट, मतलब 2 ही घंटा पकड़ लो आप, और भी रुकते रुकते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर होटल ढूंढेंगे। गाड़ी का ना फॉग लाइट खोल गया था और पता नहीं वो वाला भी नहीं जल रहा, क्या दिक्कत हुआ है दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज और टाइम नहीं भी मिल सकता है। रोड में मिल गया, इस जगह का नाम है राबन सोलन। तो अभी हो रहा है 11:30 और अभी यहाँ से निकले। फॉग लाइट जो खुला हुआ था वो लग गया है, नीचे का स्क्रू थ्रेड खराब हो गया था, उसको ठीक किया हुआ है जुगाड़ लगा के। यहाँ से शिमला का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, कांदा घाट 12 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर बाद टोल रोड भी खत्म हो जाएगा। ये इस सामने एक एम्बुलेंस जा रहा है, बहुत ही अर्जेंट कोई पेशेंट है, मगर रोड कंडीशंस के लिए ना स्पीड ही नहीं उठा पा रहा है। ये पहाड़ में ये मेडिकल इमरजेंसी का इशू, फायर इमरजेंसी, कोई डिजास्टर का इशू होने से रिकवरी में और बैकअप में बहुत टाइम जाता है। ये जो जगह है ना,
मतलब इच्छा हो रहा है उधर से हाइक करते उधर पे जाए। यहाँ से है 17 किलोमीटर शिमला, 30 मिनट्स के आसपास टाइम लगेगा। और वहाँ पे जहाँ पे मैं वीडियो दिखाया आप लोगों को, वो जो जगह था ना, वहाँ पे जो भैया था वहाँ पे हम लोग कुलचा छोला खाए, भूख लगा था बहुत। अभी होटल में पहुँचेंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे, लंच करेंगे और सो जाएंगे। और देखिए यहाँ से पूरा का पूरा शिमला टाउन कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में, एकदम ऑसम लग रहा है। तो अभी मेन काज है होटल ढूंढना पड़ेगा, अभी यही सबसे बड़ा दिक्कत है। मॉल रोड के आसपास ही ढूंढना पड़ेगा ताकि सिटी का सेंटर हम लोग पैदल एक्सेस कर पाए। क्या मस्त व्यू है, शिमला इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी। देखिए ना इधर का व्यू इतना बढ़िया लग रहा है ना, मतलब यादें ताज़ा हो गया। मैं आया था 3 साल पहले, तब जैसा था आज भी ऐसे ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा है। ऐसे भी कुछ दिन बाद एक ही जगह पे जाने से भी चेंजेस लगता है, यहाँ पे तो 3 साल। और ये रहा वो पार्किंग, मल्टीप्लेक्स पार्किंग। गूगल में अपने बहुत घटिया धोखा दे रहा है, मॉल रोड के जगह कहाँ लेके चला जा रहा है, एक बार इधर पे एक बार उधर पे, भरोसा ही नहीं किया जा सकता है ये टाउन के अंदर। जाओ मेरे दोस्त, जगाओ मेरे दोस्त। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला, एंड आज है नेक्स्ट डे, मतलब रात में हम यहाँ पे थे। कल का व्लॉग मैं आने के बाद ख़त्म इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कल मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था, सोच ही रहे हो आप। 24 आवर्स प्लस का राइड किए हैं, उसके बाद सोए नहीं है, ठीक ठाक से खाना पीना नहीं हुआ है। आके थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होके खाना पीना करने के बाद ना पूरा बॉडी छोड़ दिया, एकदम सो गए। रात का 9 बजे उठे, थोड़ा लोकल घूमे, सुबह उठ के थोड़ा सा इधर का ड्रोन शॉट किए, फोटो खींचे, अच्छे से जगह को घूमे, रेडी हुए, अभी निकल रहे हैं टूअर्स कल्पा। कल्पा में जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो राइड के बारे में हम बताएंगे, मगर पहले ये वाला ब्लॉग खत्म करते हैं। तो फाइनल तैयारी चल रहा है, ऑब्वियसली सब्सक्राइब द चैनल, ओके। ये है प्रीतम दा और ये है रूम। रूम बहुत अच्छा है, एकदम मॉल रोड का सेंटर में, ब्रिज व्यू, ठीक है। ये एक मास्टर बेडरूम है, ये यहाँ पे एक छोटा सा बेड है जहाँ पे बैठ के आप इधर से बाहर का नज़ारा देख सकते हो। वॉशरूम अच्छा था, कवर्ड अच्छा था, सामान वगैरह रखने का जगह अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, प्राइस ठीक ठाक है। अभी मैं बैक में दिखाता हूँ आपको इसका, जो यहाँ से जो बाहर का आपका व्यू है कैसा दिख रहा है। यहाँ पे बंदर घूम रहा है। ये है रूम, ये है इसका बैल्कोनी, ये नीचे का बैल्कोनी है, ठीक है। ये बैठने का एक जगह है, ये भी बैठने का जगह है, आप यहाँ पे बैठ के आपका प्रीसियस टाइम वगैरह स्पेंड कर सकते हो। यहाँ से इतना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है, और नीचे जो ये जगह है ये मॉल रोड है। तो बस यही देखिए, होटल ब्रिज व्यू, ठीक है। और तो ये वाला वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताना कमेंट में। बस चंडीगढ़ का बाद से यहाँ तक का ही वीडियो था, ठीक है। और जो घाट सेक्शन था वो जगह बहुत बढ़िया था, पूरा का पूरा जगह बहुत बढ़िया था, मगर लास्ट में ना मतलब व्लॉग कैसा हो रहा था क्योंकि और एनर्जी नहीं था, बात जो करेंगे मुझसे आवाज़ नहीं निकल रहा था। और एक चीज़ लास्ट, इस होटल का हर एक स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कॉस्टली है, मगर आप यहाँ पे आने से आप आराम से रह सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और बस ज़्यादा बात नहीं करती, ये वीडियो को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड आप लोग देखें कितना एफर्ट लगा है, सो एक लाइक मैं ज़रूर डिजर्व करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो एट द एंड ऑफ दिस होल वीडियो, दिस इज शकील फारूक साइनिंग ऑफ, ऑलवेज बी सेफ, राइड सेफ, एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।